What's up guys, it's me फिर से टाइकून करण राजपूत एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो है सेकेंड वीडियो ऑन आवर मिथ बस्टिंग सीरीज। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होगा, कैन यू बिल्ड मसल एट होम। तो आज का जो हमारा दूसरा वीडियो है मिथ बस्टिंग सीरीज का, इस मिथ बस्टिंग सीरीज के दूसरे वीडियो में हम जानेंगे, हम इस मिथ को बस्ट करेंगे, क्या आप घर पे मसल को बिल्ड कर सकते हो। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिम नहीं जा पाते क्योंकि उनकी जॉब होती है या फिर उनका नाइट शिफ्ट होता है, वो दिन को सोते हैं, दिन में सोते हैं, या फिर कुछ लोग गांव में रहते हैं जिसकी वजह से उनका जो जिम होता है वो काफी दूर होता है, उनके लिए उतना ट्रैवल करना आसान नहीं होता है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ नहीं करते कि वो जिम जाए। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो शायद जिम की एक्सपेंसिव फीस को अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, तो वो सोचते हैं हमारी कभी बॉडी बिल्ड ही नहीं हो पाएगा, हमारा कभी मसल बिल्ड ही नहीं हो पाएगा बिकॉज हम जिम नहीं जा पाते हैं। और फिर उन्हें लोग बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज घर पे भी कर सकते हो, लेकिन उस बात को वो विश्वास मानते ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि आप कभी भी मसल को घर पे एक्सरसाइज से बिल्ड नहीं कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, जिम में मशीन्स होती है करने के लिए, आपके घर में वो मशीन्स और इक्विपमेंट नहीं आते हो, नहीं होते हैं, तो आप कैसे अपनी बॉडी में मसल को बिल्ड करोगे, आप कैसे हर एक मसल को ट्रेन करोगे विदाउट धोज मशीन। तो आज के वीडियो में हम इस मिथ को करने जा रहे हैं बस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा, कैन यू बिल्ड मसल एट होम? आंसर इज यस यू कैन। आप बिल्कुल 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 अपनी बॉडी के मसल को घर पे बिल्ड कर सकते हो, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, आप वेट गेन कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो, गांव में काम करते हो, या फिर आपके पास इक्विपमेंट हो या ना हो। इस वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा मैं कि बिना इक्विपमेंट के आप कैसे मसल को बिल्ड कर सकते हो। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे घर पे एक्सरसाइज करके अपने मसल को बिल्ड कर सकते हो, या फिर अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो, आपसे जिम मिस हो रहा है, तो कैसे आप उसको मेंटेन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसका आंसर मैंने यस क्यों बोला। ईयर 2000 में अभी सारी मशीन्स आई हैं, बहुत सारी एक्सपेंसिव वेराइटीज ऑफ जो मशीन्स हैं वो अभी ईयर 2000 से आना शुरू हुई हैं जिम में, लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग है वो सालों 100 साल से भी पुराना स्पोर्ट्स है आप कह सकते हो, और इसमें बहुत सालों से बहुत लोग अपना करियर बनाते आ रहे हैं, अपनी बॉडी को फिट करते आ रहे हैं। तो क्या 1936 में, 1966 में, 1986 में जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का एरा था, उस टाइम पे इतनी एक्सपेंसिव मशीन्स हुआ करती थी? नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे लोग सिर्फ नॉर्मल बारबेल और डंबल से ट्रेन करवा करते थे, तो क्या उनकी बॉडी में मसल बिल्ड नहीं हुआ करता था? बिल्कुल होता था, उनकी बॉडी में मसल बिल्कुल बिल्ड होता था, बिल्कुल उनकी बॉडी ग्रो करती थी। बात होती है आपके नॉलेज की, और अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं भी है तो एज अ बिगिनियर आपको कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप जिम जाते हो तो आप जिम में वेट के लिए जाते हो, मशीन के लिए जाते हो, वैरायटी के लिए जाते हो, लेकिन जिम में अगर आपको 100 किलो भी मिलेगा ना, आप 100 किलो नहीं उठाओगे क्योंकि आप उतना उठा ही नहीं पाओगे, आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उठाओगे, और आपको मसल को फटीग करना है। इस चीज को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको ज्यादा बेहतर नॉलेज मिलेगी और आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आप घर पे भी मसल बिल्ड कर सकते हो विदाउट एनी इक्विपमेंट। पर्सनली मैंने 1.5 साल ईट से एक्सरसाइज करके बॉडी ग्रो कराया, तो ये बात मुझसे बेहतर कोई और नहीं कह पाएगा। ओके, सबसे पहले मैं चाहूंगा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मसल बिल्ड कैसे होता है। जो आपके मसल होते हैं ना, जो फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, जैसे कि ये कपड़ा है मेरा, इस कपड़ों में ना रेशे होते हैं, छोटे छोटे रेशे जुड़ के ना एक कपड़ा बनाते हैं, तो वैसे ही छोटे छोटे रेशे जुड़ के, मांस के रेशे जुड़ के हमारे मसल फाइबर बनाते हैं, हाथों में, पैर में, चेस्ट में, शोल्डर में, उनमें बहुत ताकत होती है। जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आप किसी चीज को धक्का भी देते हो, साइकिलिंग करते हो, बाइक चलाते हो, किसी चीज को पकड़ते भी हो ना, तो आप उन मसल्स की वजह से उसको पकड़ पाते हो। और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करते समय आप वेट उठाते हो या फिर आपके मसल के ऊपर वेट डालते हो, चाहे आप बॉडी वेट एक्सरसाइज से डालो या फिर कोई वजन को उठाकर डालो, जिसकी वजह से बार 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 वेट डालने की वजह से वो जो मसल फाइबर होते हैं, जो रेशे होते हैं मांस के, जो हमारे मसल को बनाते हैं, बाइसेप्स के, चेस्ट के, वो टूट जाते हैं, वो फट जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है वहां पे,
काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे, मेरे भाई होंगे या फिर मेरे फ्रेंड्स भी होंगे, जो जिम न्यूली स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि यार एक दिन जिम करने के बाद वो दूसरे दिन बेड पर होते हैं, बोलते हैं मैं दूसरे दिन जिम नहीं जा पाऊंगा बिकॉज मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपके जो मसल फाइबर होते हैं वो टूट जाते हैं। तो जो मसल फाइबर होते हैं एक्सरसाइज करने से वो टूट जाते हैं, और बेसिकली आप जिम भी इसलिए जाते हो कि आपके जो मसल फाइबर है वो टूट जाए। जब आपके मसल फाइबर टूट जाते हैं फिर आप अपनी डाइट लेते हो, आपका हाइट वेट एज, जिस टाइम पे आप खाना खाते हो, सोने की टाइमिंग, उठने की टाइमिंग, आप नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, आप होटल में रहते हो, आप हॉस्टल में रहते हो, आप फैमिली के साथ रहते हो, आप रेंट पे रहते हो, खाना आप खुद कुक करते हो, आपकी मदर आपको कुक करके देती है, बहुत सारी चीज़ें हर इंसान की अलग अलग होती है, उसके हिसाब से उनकी एक डाइट का पैटर्न होता है। उस डाइट के पैटर्न से आपकी बॉडी मसल ग्रो करती है, क्योंकि वो डाइट आपकी बॉडी के प्रोटीन रिक्वायरमेंट, कैलोरीज रिक्वायरमेंट, कार्ब्स रिक्वायरमेंट और फैट रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डाइट रहती है आपकी। जब आप उस डाइट को प्रॉपर इंटेक करते हो तो उस डाइट में हर चीज़ फुलफिल होता है आपकी बॉडी के हिसाब से, जिससे आपकी बॉडी हार्मोन भी बनाती है, आपकी बॉडी फंक्शन भी करती है, मसल भी बिल्ड करती है। तो बेसिकली जो आप खाना खाते हो, मान लीजिए डाइट मतलब खाना ही होता है, डाइट मतलब ये नहीं होता कुछ एक्सपेंसिव आपने खा लिया या फिर सलाद खा रहे हैं फैट लॉस करना है तो डाइट मतलब सलाद खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो नॉर्मल खाना होता है वही आपकी डाइट होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितनी मात्रा में किस खाने को किस टाइम पे खाना है जो आपकी बॉडी पे सूट करे और जिसके अंदर आपकी बॉडी के हिसाब से पूरी कैलोरीज फुलफिल हो। तो वो पूरी डाइट होती है आपके ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक। जब आप प्रॉपर डाइट को लेते हो तो उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। आपका जो डाइजेशन होता है ना वो कभी भी आपके पेट से स्टार्ट नहीं होता, वो आपके मुंह से स्टार्ट होता है। आपके जो सलाइवा होते हैं ना, आपके जो दांत होते हैं, उसको वो गलाना तोड़ना खाने को शुरू कर देते हैं, फिर वो खाना आपके पेट में जाता है। हमारे पेट में बहुत सारे एसिड होते हैं, वो एसिड उस खाने को और गलाते हैं और गलाते हैं, फिर वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, फिर इंटेस्टाइन की दीवालों से, जो इंटेस्टाइन में वॉल्स होती है, वहां से उस खाने में से सारा प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और जो सारे न्यूट्रिएंट हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। वो सारे एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में चले जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे स्टूल की तरह बाहर आ जाता है। तो जो आपका सारा न्यूट्रिशन होता है वो खाने से आपके ब्लड में जाता है। जब आप अपने मसल फाइबर को फटीग करके जिम में या फिर घर पे कहीं पर भी एक्सरसाइज करके उन मसल फाइबर को तोड़कर जब आप सोने जाते हो तो बॉडी उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिकवरी करती है। वैसे बॉडी आपके जब आप जाग रहे होते हो तब भी रिकवरी करती है, लेकिन जब आप सोते हो तब बॉडी ज़्यादा बेहतर रिकवरी करती है। तो वो जो ब्लड होता है वो ब्लड आपके उस मसल में जाएगा जिस मसल की आपने एक्सरसाइज करी होती है, मतलब जाता पूरी बॉडी में है, उस मसल में भी जाता है जिस मसल की आपने एक्सरसाइज करी होती है। फिर वो ब्लड में प्रोटीन होता है, कार्ब्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, और वो सारी चीज़ें मिलके आपके फटे हुए मसल को रिपेयर करता है। आपका जो मसल फट चुका होता है उसको वो रिपेयर करके सिलता है, सिलता नहीं प्रैक्टिकली, उसको दुगना मोटा बिल्ड करता है। जो मसल फाइबर फट जाते हैं उसको वो दुगना मोटा बिल्ड करता है, और हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि अब जो चीज़ फट गई है उसको दुगना मोटा इसलिए बिल्ड करो ताकि दोबारा फटे ना, ताकि ये दोबारा फटे ना। जैसे कपड़ा फट जाता है तो आप सिलाई जो करोगे तो आप मोटी सिलाई करोगे, ये दोबारा ही सिलाई फटे ना। तो वैसे हमारी बॉडी फटे हुए मसल को दुगना मोटा सिलती है, बिल्ड करती है, जिस प्रोसेस को मसल बिल्डिंग कहते हैं। क्योंकि जब मसल फट कर दोबारा मोटा बड़ा हो जाएगा ना तो उसका साइज बढ़ जाएगा, जैसे आपके बाइसेप्स, चेस्ट, शोल्डर, ये बड़े हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है मसल बिल्डिंग। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, कैन यू बिल्ड मसल एट होम। तो देखिए, जब आप जिम जाते हो, आप जिम में मसल फाइबर को फटीग करने जाते हो, आप उसको फाड़ने जाते हो, चेस्ट की एक्सरसाइज करके, बाइसेप्स की एक्सरसाइज करके वहां के मसल्स को आप फाड़ देते हो, वो फटीग आप घर पर भी कर सकते हो। आपको उसके लिए कोई भी इक्विपमेंट या चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है एज अ बिगिनियर। अगर आप बिगिनियर हो तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसल फाइबर जो होते हैं वो आपके बॉडी वेट एक्सरसाइज से भी फट सकते हैं आराम से। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि अगर आपको चेस्ट के मसल फाइबर को ब्रेक डाउन करना है तो पुशअप एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो कि आपके ट्राइसेप्स को, शोल्डर को और आपके चेस्ट के मसल पे जोर डालती है, जिससे उनके मसल फट जाते हैं। फिर जब आप प्रॉपर डाइट लोगे वो दुगने बिल्ड होंगे। एग्जांपल स्क्वाट। स्क्वाट जो होती है वो आपके लेग की एक्सरसाइज होती है। लेग जो होता है वो हमारी बॉडी का बिगेस्ट मसल होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमारे दिल को खून पंप करने के लिए। और लेग की जो एक्सरसाइज होती है वो स्क्वाट हो गई, सुमो स्क्वाट हो गई, लंजेस हो गई। तो ये बॉडी वेट एक्सरसाइज से भी अपने मसल फाइबर को आप फटीग कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि यार सर उसको करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बॉडी वेट एक्सरसाइज जो लोग काफ़ी टाइम से जिम करते आ रहे हैं उनके लिए वो बहुत आसान हो जाती है। लाइक अगर आप जिम में वेट उठाकर
बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हो तो घर पे अगर आप बिना वेट के करोगे तो बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है इसका मतलब आप इंटरमीडिएट हो। इंटरमीडिएट मतलब कि आप जिम करते आ रहे हो और आपकी मसल्स को हैबिट है, आदत है एक्सरसाइज करने की, जिसकी वजह से आपको बॉडी वेट एक्सरसाइज आसान लगती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और टेक्निक्स को यूज़ करना है। सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है आपका सुपर सेट। जब आप दो एक्सरसाइज को मिला दोगे तो इंटेंसिटी और वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, आपके मसल्स को वो बहुत फोर्स करेगा और दो एक्सरसाइज को एक के बाद एक करना लगातार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरा होता है ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट के लिए आपको थोड़ा सा वेट चाहिए होगा, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप बिगिनर हो आपको कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको सिर्फ घर पे एक्सरसाइज करना है तो आपको डंबल की ज़रूरत है बस, या फिर बारबेल। आप बारबेल ले लो, बारबेल से बहुत सारी एक्सरसाइज परफॉर्म हो जाएगी, वेरिएशन ऑफ द एक्सरसाइज परफॉर्म हो जाएगी, बस उसकी ही ज़रूरत है आपको, उसके अलावा कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप डंबल या बारबेल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप सिंपली ब्रिक ले सकते हो, ईंट जो होता है, वेट होता है उसके अंदर, आप उससे ट्रेन कर सकते हो आराम से, उससे आपकी बॉडी में मसल फटीक हो जाएगा। बस छोटी सी दिक्कत ये आती है कि जब आप घर पे एक्सरसाइज करते हो तो आपको बहुत बार रैपिटेशन मारनी पड़ जाती है, क्योंकि आपको उतना वेट नहीं मिलता है एज अ इंटरमीडिएट। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 6 7 8 महीने से पहले ही जिम कर चुके हैं, करके बैठे हैं, या फिर 1 साल से करके बैठे हैं, जिनके मसल को एक्सरसाइज की हैबिट है। अब जो बिगिनियर है उनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो हैबिट ही नहीं डाली यार। उनको तो 5 10 पुशअप में वो थक जाएंगे, उनसे मैं 50 स्क्वाट करवा दूंगा वो चल नहीं पाएंगे। तो एज अ बिगिनियर यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट टू ग्रो मसल एट होम, यू जस्ट नीड टाइम एंड एफर्ट एंड राइट प्रोटोकॉल। आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज कैसे करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरमीडिएट को दे रहा हूँ कि आप कैसे घर पर एक्सरसाइज कर सकते हो विदाउट इक्विपमेंट या फिर लिमिटेड इक्विपमेंट के साथ में। जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं लाइक सुपर सेट, ड्रॉप सेट, जाइंट सेट, इसके अलावा एक और टेक्निक होती है जो मैंने पर्सनली यूज़ करा था, दैट टेक्निक इज पावर वर्कआउट। ये वर्कआउट मैंने पर्सनली डिज़ाइन करा था कि किस तरीके से मैं अपने मसल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोग्रेसिव ओवरलोड डाल सकता हूँ जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और मेरे पास डंबल्स या वेट नहीं हो। तो ये जो टेक्निक है ये सिंपली आपके रेस्ट सेकेंड पे रिलाई करती है। आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब होता है कि आप हर एक सेट मारते हो एक्सरसाइज का, तो आप वेट को बढ़ाते हो। पहले सेट में आप 5 किलो, दूसरे में 10 किलो, तीसरे में 15, इसको कहते हैं पिरामिड सेट। तो ये जो चीज़ होती है ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड लाती है, आपके मसल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है। तो ये जो प्रेशर होता है ये आप अपने हर एक सेट्स के बीच का रेस्ट सेकंड को कम करके भी क्रिएट कर सकते हो। इससे आपकी बॉडी पे, आपके मसल पे काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड आएगा, जिसकी वजह से आपका जो मसल फटीक है वो प्रॉपर तरीके से होगा और आपका मसल ग्रो करेगा। तो एक बार में आपको बता देता हूँ, सुपर सेट, जाइंट सेट, ड्रॉप सेट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, रेस्ट सेकेंड को आपको कम करना है, आपको सेट्स को बढ़ा देना है, जिससे आप अपने मसल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल पाओगे, जिससे आप घर पर भी मसल को आराम से बिल्ड कर पाओगे विदाउट वेट इफ़ यू आर बिगिनियर और विद लिमिटेड वेट इफ़ यू आर इंटरमीडिएट। सो दिस वॉज द वीडियो एंड येस यू कैन बिल्ड योर मसल एट होम। आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो, आई होप यू हैव लाइक दिस कॉन्टेंट। हमारा मिथ बस्टिंग सीरीज का ये दूसरा वीडियो था, थर्ड वीडियो इज ऑन द वे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। मेरे पैर में समय प्लास्टर है और उसके बावजूद मैं ये वीडियो सारे कंटेंट शूट कर रहा हूँ फॉर यू गाइस, बिकॉज आप लोग मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हो। आई रियली वॉन्ट यू ऑल गाइस टू गेट फिटर, बिकॉज मैं भी आप में से एक हूँ, मैं भी उस चीज़ से गुजरा हूँ। सो आई होप यू लाइक माई कॉन्टेंट, प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक मी, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल। एंड अगर अच्छा हो तो मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ले सकते हो, जिसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, डाइट दूंगा, वर्कआउट दूंगा, साथ में मेरी पूरी टीम आपको मॉनिटर करेगी, और जिससे हम आपकी बॉडी पे ज़्यादा बेहतर इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी बॉडी में सही टाइम पे हम इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे, जिससे आप कपड़ों में काफ़ी फिट लगोगे। आई होप यू हैव लाइक माई कॉन्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।